गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू अवर चैप्टर थर्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट या गुणा, यानी टू नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। एंड यू मस्ट टू लर्न द टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेट अस मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई थ्री डिजिट का बाई थ्री डिजिट। 573 मल्टीप्लाई बाई 453। तो इसमें हम ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वंस की जो डिजिट है उससे हम फर्स्ट नंबर को मल्टीपल करते हैं। वंस टू वंस, वंस टू टेंस एंड वंस टू हंड्रेड। उसके बाद टेंस की डिजिट से थ्री डिजिट्स को मल्टीपल करते हैं फर्स्ट नंबर की, और फिर हंड्रेड की डिजिट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस की डिजिट से, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री सेवन ज़ा 21 का वन, यानी वंस का डिजिट यहाँ प्लेस करेंगे, टू कैरी। फिर जो थ्री फाइव ज़ा 15 आएगा उसमें टू ऐड किया यानी 17। नाउ मल्टीप्लाई बाई टेंस डिजिट, फाइव थ्री ज़ा 15, और यहाँ हम एक क्रॉस लगाएंगे या ज़ीरो लिख सकते हैं। फाइव थ्री ज़ा 15 वन कैरी, फाइव सेवन ज़ा 35 एंड वन 36 थ्री कैरी, फाइव फाइव ज़ा 25 एंड थ्री 28। नाउ मल्टीपल बाई हंड्रेड डिजिट, फोर थ्री ज़ा, अब यहाँ पर भी हम क्रॉस, यहाँ टू क्रॉस लगा देते हैं या टू ज़ीरो लिख सकते हैं। फोर थ्री ज़ा 12 वन कैरी, फोर सेवन ज़ा 28 एंड वन 29 टू कैरी, फोर फाइव या 20 एंड टू 22। नाउ ऐड थ्री नंबर्स, इन थ्री नंबर्स को जो मल्टीपल करके आए हैं वंस टेंस एंड हंड्रेड से, उनको ऐड करेंगे। नाइन, वन प्लस फाइव सिक्स, सेवन प्लस सिक्स यानी 13, प्लस टू 15 का फाइव। वन यहाँ कैरी करेंगे तो वन एंड एट नाइन, एंड नाइन 18 एंड वन 19। वन यहाँ कैरी करेंगे, टू एंड टू 4 एंड वन 5 एंड टू। तो इस तरह से ये थ्री डिजिट का नंबर, ये थ्री डिजिट का नंबर का मल्टीपल आपका आता है 2,59,569। ओके, इट इज़ क्लियर। रिमेंबर वन थिंग, कि द नंबर विच इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेंड, यानी जिस नंबर को मल्टीपल कर रहे हैं उसको मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। द नंबर विच मल्टीपल्स द अदर नंबर, और जो नंबर जिससे मल्टीपल कर रहे हैं उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं या मल्टीप्लर कहते हैं। द आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर इज कॉल्ड द प्रोडक्ट, और जो मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर फाइंड आउट होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मल्टीप्लीकेशन की, उन्हें देखेंगे। इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीपल बाई वन, द आंसर इज़ द नंबर इट्सेल्फ, यानी किसी भी नंबर को यदि वन से मल्टीपल करते हैं तो वो आंसर जो होता है वही नंबर होता है। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ वन। जैसे कि थ्री मल्टीपल बाई वन, थ्री वन जा थ्री, फोर वन जा फोर, फाइव वन जा फाइव, इसी तरह से लार्ज नंबर में भी होता है। ए नंबर वन मल्टीप्लीड बाई जीरो गिव्स द प्रोडक्ट जीरो, यदि किसी नंबर में जीरो से मल्टीपल करते हैं तो ज़ीरो आंसर आता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होती है। टू और मोर नंबर इफ मल्टीप्लीड इन एनी ऑर्डर, दो या दो से अधिक नंबर को मल्टीपल करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो गिव द सेम प्रोडक्ट, उसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि थ्री टू ज़ा सिक्स करें या टू थ्री ज़ा सिक्स करें, यानी हमने थ्री और टू का ऑर्डर चेंज कर दिया तब भी वही आंसर आएगा जो टू थ्री ज़ा सिक्स करने पर आएगा, यानी दोनों ही सूरत में, दोनों ही कंडीशन में सिक्स ही आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स डज नॉट चेंज इफ़ द ग्रुपिंग ऑफ फैक्टर्स इज चेंज्ड, मतलब थ्री नंबर का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है यदि हम ग्रुपिंग कुछ भी करें। जैसे वन इंटू टू इंटू थ्री, तो चाहे हम वन और टू का ग्रुप लें, वन इंटू टू यानी टू और थ्री से मल्टीपल करें सिक्स आएगा टू थ्री ज़ा, या टू और थ्री की ग्रुपिंग करें टू थ्री ज़ा सिक्स और फिर बाद में वन से मल्टीपल करें तब भी सिक्स आएगा। यानी कोई भी थ्री नंबर लेने पर ग्रुपिंग कुछ भी हो उसके आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता है, प्रोडक्ट हर कंडीशन में सेम आता है। इट इज़ क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई बाई 53,256 बाई 723। अब एक एग्जाम्पल है जिसमें फाइव डिजिट के नंबर को थ्री डिजिट के नंबर से मल्टीपल किया है, वही करेंगे, कंडीशन वही होगी। वंस डिजिट से सब फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल करेंगे पूरे नंबर को, फर्स्ट नंबर को, और फिर टेंस के डिजिट से, उसके बाद हंड्रेड डिजिट से। थ्री सिक्स जा 18, वन कैरी, थ्री फाइव जा 15 एंड वन 16, वन कैरी, थ्री टू जा 6 एंड वन 7, थ्री थ्री जा 9, थ्री फाइव जा 15। ये तो हुआ हमारा वंस के डिजिट से मल्टीपल। नाउ हम यह क्रॉस लगाते हैं, अब हम टेंस के डिजिट से नंबर को मल्टीपल करेंगे। टू सिक्स ज़ा 12, वन कैरी, टू फाइव ज़ा 10 एंड वन 11, वन कैरी, टू टू ज़ा 4 एंड वन 5, टू थ्री ज़ा 6, टू फाइव ज़ा
10. नाउ अब हम यहाँ पे दो क्रॉस लगाते हैं नीचे, थर्ड नंबर यानी 100 के नंबर से डिजिट से हम मल्टीपल करेंगे. 7 6 42, 4 कैरी, 7 5 35 and 4 39, 39 का 3 कैरी, 7 2 14 and 3 17 और 1 कैरी, 7 3 21 and 1 22, 2 कैरी, 7 5 35 and 2 37. नाउ अब हम इन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे. 8 6 + 2 8, 7 + 1 8 and 2 10, 1 कैरी, 1 and 9 10 and 5 15 and 9 24, 2 कैरी, 2 and 5 7 and 6 13 and 7 20, 2 कैरी, 2 and 1 3 and 2 5, 1 and 7 8 and 3. तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लाई 53,256 को बाई 723. तो हमारा जो प्रोडक्ट फाइंड हुआ वो हमारा ये हुआ 1,100,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 3 करोड़ 85 लाख, 4,088. ओके, इट इज़ क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन बाई ए 4-डिजिट मल्टीप्लायर. अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें मल्टीप्लायर 4-डिजिट का होगा और यहाँ 5-डिजिट का मल्टीप्लिकेंड है. अब हम इसे मल्टीपल करेंगे वैसे ही जैसे हम 3-डिजिट के नंबर से करते थे. फर्स्ट वंस की डिजिट से करेंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 6 जा 30 and 4 34, 3 कैरी, 5 1 जा 5 and 3 8, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 7 जा 35 and 1 36. नाउ मल्टीपल बाई 8 यानी 10s की डिजिट से, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 6 जा 48 and 7 55 का 5 कैरी, 8 1 जा 8 and 5 13, 1 कैरी, 8 3 जा 24 and 1 25, 2 कैरी, 8 7 जा 56 and 2 58. ओके, नाउ यहाँ पे 2 क्रॉस लगाएंगे. नाउ मल्टीपल बाई 100 डिजिट, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 6 जा 12 and 1 13, 1 कैरी, 2 1 जा 2 and 1 3, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14. इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर हम 3 क्रॉस लगाएंगे और नाउ मल्टीपल बाई 1000 डिजिट, 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 6 जा 18 and 2 20, 2 कैरी, 3 1 जा 3 and 2 5, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. नाउ फाइनली अब हम इन चारों नंबर को ऐड करेंगे. 5 4 + 2 यानी 6, 8 + 5 13 and 8 हमारे हुए 21, 2 कैरी, 2 and 5 7 and 3 10 and 3 13 and 7 20, फिर 2 कैरी, 2 and 6 8 and 5 13 and 3 16, 1 कैरी, 4 and 8 12 and 6 18 and 5 13, 18 and 5 23, 2 कैरी, 2 and 5 7 and 4 11 and 9 20, 2 कैरी, 3 4 and 2. देन फाइनली आंसर आया 2403601 65, यानी कि इन दोनों को जो हमने मल्टीपल किया 73,169 और 3,285 को, तो हमारा आंसर आया 1,100,000, 10,000,000,000, 10 करोड़, यानी 24,03,60,165. ओके स्टूडेंट, विल मीट अगेन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मीडियम.